हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है भाषा माधुरी, उसके चैप्टर 14 को करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 13 चैप्टर कर चुका है, ये 14th चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है अनोखा मंत्र, संज्ञा व सर्वनाम का चयन, लिंग परिवर्तन। हाँ, इस चैप्टर में हिंदी एक स्टोरी के थ्रू लेखक हमें संज्ञा और सर्वनाम के बीच का अंतर बताना चाहते हैं, और इसी तरह लिंग परिवर्तन तो जो होता है, जेंडर चेंज होता है, उसके बारे में समझाना चाहते हैं। संज्ञा आप कहेंगे नाउन को, सर्वनाम हुआ प्रोनाउन और लिंग हुआ जेंडर। ठीक है, हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। कुमार का गांव बहुत छोटा था, उसमें गृहस्थों के घर केवल 30 थे। गांव में सबके मिलकर बैठने लायक कोई स्थान नहीं था। कुमार ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने पास के एक टीले का चुनाव किया और वहां सफाई करने लगा। जब एक आदमी के बैठने के लायक जगह साफ हो गई, तब वह घर लौट आया। वह अगले दिन फिर गया और देखा उसके द्वारा साफ की गई जगह पर एक आदमी बैठकर आराम कर रहा है। कुमार ने थोड़ी दूर हटकर दूसरी जगह सफाई करनी शुरू कर दी। इस प्रकार कुमार रोज़ सफाई करता और कोई ना कोई ग्रामवासी उठने बैठने के लिए उस साफ जगह का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे कुमार ने पूरा टीला साफ कर दिया और उस साफ टीले ने एक बड़े चबूतरे का रूप ले लिया, जिस पर 35-40 व्यक्ति उठ बैठ सकते थे। शीघ्र ही वह टीला आमोद प्रमोद का केंद्र बन गया। यदि गांव में कोई नया आदमी आता तो उसे भी उसी चबूतरे पर बैठाया जाता। दिन बीतते गए। कुमार की देखा थी कि सभी लोग सुबह जल्दी उठकर अपना आवश्यक कामकाज निपटाते और खाली समय में गांव की भलाई के लिए मिलजुल कर किसी न किसी सार्वजनिक कार्य में जुटे रहते। कभी रास्ते पर बड़े पत्थरों कांटों को हटाने, कभी मार्ग में बाधक पेड़ की जड़ों को उखाड़ फेंकने, कभी ऊंची नीची जगह समतल करने, कभी उपयुक्त जगह पर तालाब खोदने और कभी नदी पर बने पुल की मरम्मत करने का कार्यक्रम चलता। कुमार के गुणों से प्रभावित होकर सभी लोग गुणी व अच्छे परिश्रमी बन गए। पूरा गांव सुख शांति से भरपूर हो गया। देखिए, ये जो स्टोरी है, स्टोरी में एक बहुत ही नेचुरल चीज़ बताया गया है। अब भी अपने कॉलोनी में अगर देखेंगे कि जो है एक कोई मान लो बिना किसी के मदद से अपने से कॉलोनी की सफाई करने लगा, सीढ़ियों की सफाई कर रहा है, दो तीन दिन वो अकेला करेगा, चौथे दिन दूसरे लोग को देख के भी इच्छा होगी चलो हम भी करेंगे और सब मिलके करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल वही बात इस चैप्टर में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि एक बहुत छोटा गाँव था जिसमें कुमार नाम का एक लड़का रहता था। उस गाँव में 30 गृहस्थों के घर केवल 30 थे, मतलब कि फैमिली वाले जो घर थे, फैमिली वाले हाउसेस कितने थे, 30 थे। 30 मतलब 30, और गृहस्थ मतलब कि जिसमें कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, फैमिली वाला लोगों का घर 30 था। ठीक है, पर गांव में सब लोग जहां कोई मीटिंग करेंगे, बैठने लायक कोई भी जगह नहीं था जहां एक बड़ा मैदान हो, साफ़ सुथरा या साफ सुथरा कोई जगह हो जहां सब लोग एक साथ बैठ के मीटिंग कर सके, ऐसा कोई भी जगह नहीं था। कुमार यह देखता था, समझता था कि एक जगह बैठने का जगह नहीं है। वो किसी से कुछ नहीं कहता। उसने पास के एक टीले का चुनाव किया। टीला क्या होता है? एक ऊंचा जगह होता है। हाँ, टीला थोड़ा मतलब कि कह सकते हैं छोटा हिल से भी छोटा, मिट्टी जहाँ पे उठी रहेगी, थोड़ा ऊंचा जगह रहेगा, उसका वो चुनाव किया। वहाँ जाके वो थोड़ा सफाई कर दिया एक दिन। ठीक है, तो एक आदमी के बैठने लायक का जगह थोड़ा साफ हो गया, तब वो घर लौट आया। दूसरे दिन फिर वह सुबह सुबह गया तो उसने देखा कि वो जो उसके द्वारा साफ की गई जगह पे, मैंने उसने जो जगह साफ की थी, वहाँ पे एक आदमी बैठकर आराम कर रहा है। तो वो उससे थोड़ी दूर हट गया और दूसरे जगह की सफाई करने लगा। ठीक है, ऐसे करते करते वह रोज़ जाता और सफाई करता, और रोज़ वह देखता कि कोई ना कोई ग्रामवासी मतलब गाँव का आदमी उसके उठने बैठने के लिए उस साफ जगह का उपयोग करने लगता। वह देखा कि कोई ना कोई गांव का आदमी देखता था कि अरे साफ जगह है, वहां बैठना शुरू करता था, वहां बैठ के आराम करता था। ठीक है, धीरे धीरे कुमार ने पूरा टीला साफ कर दिया। वो बड़ी सी जगह थी, उसको पूरे ऊंची जगह को कुमार ने पूरा साफ कर दिया, और उस साफ टीले ने एक बड़े चबूतरे का रूप ले लिया। देखिए, चबूतरा क्या होता है? जैसे कि हम लोग देखेंगे रोड साइड में कोई एक पेड़ होता है, पेड़ के चारों तरफ गोल करके सीमेंटेड कर दिया जाता है ना, तो लोग उस पेड़ की छाया में वो सीमेंट के ऊपर बैठते हैं, सीमेंटेड ऊंचा क्या हुआ जगह रहता है, लोग वहाँ पे बैठते हैं, उसी को चबूतरा कहते हैं। चबूतरा होता है कि मतलब आजकल तो हम लोग सीमेंटेड कर लेते हैं, पर है कि कोई बहुत ही खुले जगह पे, छायादार जगह पे, बड़ा सा एरिया हो जहाँ पे कि है थोड़ा मतलब साफ हो, सूखी जगह हो जहाँ पे लोग बैठ के बातें कर सके, उसे चबूतरा कहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे वो साफ टीला एक बड़ा चबूतरा बन गया। हाँ, एक बड़ा एरिया बन गया जहाँ पे एक साथ कितने लोग बैठ सकते थे,
35-40 व्यक्ति उठ बैठ सकते थे। 35-40 मतलब 35-40 पर्संस वहाँ पे एक साथ बैठ सकते थे, उठ सकते थे, बातें कर सकते थे। शीघ्र ही वो टीला आमोद प्रमोद का केंद्र बन गया। आमोद प्रमोद क्या होगा कि चलो लोग वहाँ बैठकर एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे का हालचाल बोलते थे, सुख दुख बोलते थे। प्रमोद कि चलो कुछ गेम खेलना है लोगों को, एक साथ बच्चों को खेलना है, कि वो लोग कुछ खुशियाँ बांटना चाहते हैं, किसी का कोई बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ करना है, तो वह प्रमोद हुआ। तो आमोद प्रमोद का केंद्र बन गया, आमोद प्रमोद का सेंटर बन गया कि चलो वहीं पे लोग सारी बातें करते थे, गेम खेलते थे, खुशियाँ मनाते थे, उसका वो प्लेस बन गया। ठीक है, अब गांव में मान लीजिए कोई नया आदमी आया, किसी के घर में कोई रिलेटिव आया, तो उसे भी वहाँ चबूतरा में बैठाया जाता था, आइए आइए बैठिए, थोड़ा बातें करिए, छाया में बैठिए, और फिर घर ले जाया जाता था। इस तरह बहुत दिन बीतता चला गया। अब लोग देखते थे कि कुमार जाके रोज़ साफ सफाई करता है, उसको देख देख के बाकी लोगों को भी इच्छा होने लगी। बाकी लोग भी क्या करते थे, सुबह उठकर ही अपना आवश्यक कामकाज, अपना आवश्यक कामकाज मतलब अपना पर्सनल काम जितना भी होता है, नहाना धोना, ब्रश करना, नाश्ता करना, ये सब करके लोग जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाते थे। ठीक है, और खाली समय में गाँव की भलाई के लिए मिलजुल कर किसी न किसी सार्वजनिक कार्य में जुटे रहते थे। सब लोग आ जाते थे, बाहर घरों के बाहर आते थे और खाली समय में चलते थे कि चलो मिलजुल कर किसी सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक मतलब पब्लिक वर्क है ना, जिस ऐसा काम करने लगते थे जिससे कि गांव के लोग जो पब्लिक हैं उनको मदद मिले, उनके लिए सुविधा हो, ऐसा कार्य में जुट जाते थे। हाँ, सोशल वर्क जो है कि सोसाइटी के बेहतरी के लिए या गांव के बेहतरी के लिए, जहाँ पब्लिक वर्क एक्चुअली कहना चाहिए, सार्वजनिक मतलब पब्लिक वर्क में वो लोग जुट जाते थे। क्या 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 काम होता था, कभी रास्ते पर बड़े पत्थरों कांटों को हटाने का है ना, गांव का एरिया है तो बड़े बड़े पत्थर वत्थर गिर पड़े रहते हैं, कांटे उगाते हैं ऐसे, जो वो लाजवंती पौधे के, टच मी नॉट पौधे के कांटे वगैरह उगाते, तो उन सबको लोग साफ करते थे। कभी कभी जो है छोटे छोटे पौधे पेड़ उग जाते हैं जिन उनकी जड़ें प्रॉब्लम करती हैं वहाँ गाड़ी वाड़ी चलने में, तो उनकी जड़ों को उखाड़ कर, छोटे छोटे झाड़ियों को उखाड़ कर फेंकते थे वो। ठीक है, कभी मार्ग में बाधक पेड़ की जड़ों को उखाड़ फेंकना, जो कोई जा रहा है गाड़ी से और उसके रास्ते में सामने वो बड़ा सा जड़ आ गया है पेड़ का जिससे वो टकरा के गिर रहा है, तो वो सबको लोग उखाड़ देते थे, झाड़ियाँ आ गई हैं सामने उसको फेंक देते थे। कभी ऊंची नीची जगह समतल करने, अब है कि गांव का रोड है तो सीमेंटेड नहीं होगा, तो कहीं पे ऊंचा होगा कहीं पे नीचा होगा, तो उससे है कि रात में ठोकर लगने का डर रहेगा, इसलिए लोग क्या करते थे उसको समतल करते थे, मतलब एक बराबर प्लेन करने की कोशिश करते थे गांव के रोड सबको। ठीक है, कभी उपयुक्त जगह पर तालाब खोदने, वह कि पानी का प्रॉब्लम हुआ तो लोग सोचे कि नहीं सही जगह पर कहाँ पर तालाब खोदना चाहिए जहाँ लोगों को पानी मिल सके आराम से, सब लोग मिलकर वहाँ पर तालाब भी खोदते थे, है ना। कभी नदी पर बने पुल की मरम्मत करने का कार्य कर चलता था। ठीक है, तो चलो नदी पे पुल बना हुआ है तो नदी पे पुल बना है वो अगर टूट फूट रहा है तो सब लोग मिलके उसकी मरम्मत करते थे, उसे रिपेयर करते थे। तो इस तरह सब लोग ही कुछ ना कुछ काम करने लगे, मतलब कि अपना काम तो करते थे, अपने खेतों का काम, अपना पर्सनल काम करते थे, साथ ही साथ पब्लिक वर्क भी लोग कुछ कुछ करने लगे। कुमार के गुणों से प्रभावित होकर सभी लोग गुणी व अच्छे परिश्रमी बन गए। वो बोलते हैं ना कि एक को अच्छा देख के बाकी लोग भी अच्छे बन गए, बाकी लोग भी गुणी बन गए, हाँ अच्छे अच्छे मैनर्स, अच्छे अच्छे हैबिट्स उनमें आ गए और परिश्रमी बन गए हैं, बहुत ही लेबोरियस बन गए, है ना। पूरा गांव सुख शांति से भरपूर हो गया, तो अब लोगों को दिक्कत नहीं होने लगी, सब एक दूसरे से मिलजुल के काम करने लगे, तो पूरे गांव में सुख शांति आ गया, पीस आ गया, हैप्पीनेस आ गया। लोगों को सुखी देखकर गांव का मुखिया दुखी था। अब गांव वाले शराब नहीं पीते, आपस में झगड़ा और मारपीट नहीं करते थे, इसलिए फैसला करवाने के लिए उसे चौधरी नहीं बनाते थे। कोई गलत काम नहीं करता था इसलिए चौधरी को उन पर जुर्माना करके धन ऐंठने का अवसर नहीं मिलता था। कुमार तो मुखिया की आंख का कांटा बन गया था। एक दिन मुखिया राजा के पास गया, उसने राजा को कुमार और उसके साथियों के बारे में खूब उल्टी पट्टी पढ़ाई। वह राजा से बोला, हमारे गांव के लोग चोर हो गए हैं, गांव में नित नए नए उपद्रव बढ़ते जा रहे, यही नहीं वे दूसरे गांवों को भी चैन नहीं लेने देते, यदि उन्हें जल्दी ही ना सुधारा गया तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। राजा मुखिया के कहने में आ गया, उसने कुमार और उसके साथी गाँव वालों को पकड़वा लिया। बात की गहराई
में जाने के लिए जांच पड़ताल भी नहीं की और आदेश दे दिया सब बंदियों को हाथी के पांव से कुचलवा दिया जाए और शुरुआत कुमार से हो। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे सब लोग पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं, वहाँ पे एक दो नेगेटिव हो ही जाता है। वो नेगेटिव पर्सन कौन था? वो गांव का मुखिया था। वो देख रहा था कि गांव के लोग बड़े सुखी हैं, सब आराम से रह रहे हैं, वो बड़ा दुखी हो गया था। क्यों? क्योंकि पहले गांव के लोग जो हैं, कुछ लोग शराब पीते थे, मारपीट एक दूसरे के साथ करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, तो फैसला करवाने के लिए गांव के मुखिया के पास आते थे, जो गांव का हेड था, और उसे चौधरी बनाते थे। चौधरी मतलब कि एक टाइप से उसको जज बनाते थे कि चलो तुम जज करो कौन सही है कौन गलत। ठीक है, उसे चौधरी बनाते थे उस मुखिया को, और अपना प्रॉब्लम्स उसके पास ले आते थे, और वो उनको पनिशमेंट के रूप में क्या करता था, उन पर जुर्माना करके धन ऐंठता था। बोलता था कि ये पनिशमेंट है, तुमको जुर्माना लगा है, तुम ये गलत काम किए हो, तुमको इतना पैसा गांव के मुखिया को देना होगा। इस तरह धन ऐंठता था, मतलब बुद्धू बना के जबरदस्ती का उनसे धन छीनता था इस तरीके से करके। ठीक है, धन लेने की कोशिश करता था बहानों से। अब जो है, अब कोई गलत काम गांव में नहीं कर रहा था, सब सुख शांति से रह रहे थे, तो मुखिया के पास कोई नहीं आ रहा था, उसे चौधरी कोई नहीं बना रहा था, वह धन नहीं प्राप्त कर पा रहा था, इसीलिए उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। और कुमार तो मुखिया की आँख का काटा बन गया था। कुमार जो था वो मुख्य, जैसे कि हमारे आँखों में अगर कुछ कांटा चुहाए या कुछ भी घास वास जाए तो हमें कैसे चुभता है ना, हमें देखने में अच्छा नहीं लगता, प्रॉब्लम होता है, अच्छा नहीं लगता देखने में, उसी तरह जो है कुमार मुखिया की आँख का काटा बन गया था। मतलब कुमार को देखना मुखिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुखिया को कुमार से प्रॉब्लम होने लगा था, इसलिए वो क्या गया, एक दिन राजा के पास गया और जाके राजा को उल्टी पट्टी पढ़ा दी, है ना, उल्टा पुल्टा बात बोल दिया किसके बारे में, कुमार और उसके साथियों के बारे में, उसके फ्रेंड्स के बारे में। उसने क्या कहा कि हमारे गांव के लोग बड़े ही चोर हो गए हैं, रोज़ नए नए उपद्रव बढ़ते जा रहे हैं, मतलब रोज़ नया नया कांड हो रहा है, मिस्चिफियस कांड हो रहा है हमारे गाँव में, उपद्रव हो रहा है, गलत काम हो रहा है, और दूसरे गांव वालों को भी चैन नहीं लेने देते, दूसरे गांव वालों को भी ये लोग जाके परेशान करते हैं हमारे गांव के लोग, अगर इन सबको हम लोग नहीं सुधारे जल्दी तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी, हाँ प्रॉब्लम बहुत हो जाएगा हमारे गांव वाले लोगों को अगर हम लोग ठीक नहीं करें। ये बात जाके वह राजा को कह दिया। अब राजा जो है वो सोचा कि नहीं, मुखिया जो गाँव का हेड है वो जो कह रहा होगा वो सही ही कह रहा होगा, और वो मुखिया की बातों में आ गया। वो उसने क्या किया, सिपाहियों को भेजा और सिपाही ने कुमार और उसके साथियों को पकड़ लिया। अब है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेन आया तो आपको उसके विषय में जांच पड़ताल करनी चाहिए ना, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि क्या सच बात है, क्या प्रॉब्लम है। तो राजा ने बात की गहराई में जाने के लिए, हाँ बात के डेप्थ में नहीं गया, हाँ बात के गहराई में नहीं जाना, बात के असलियत को नहीं जाना, कोई जाँच पड़ताल का आदेश नहीं दिया, हाँ जाँच पड़ताल नहीं की, कुछ भी नहीं किया, रिसर्च नहीं किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और सीधा क्या कमांड कर दिया राजा, क्या आदेश दिया कि हाथियों के पैरों के नीचे इन लोगों को कुचलवा देंगे, इन लोगों को ज़मीन पर लिटा देंगे और उसके ऊपर हाथी को चढ़ा देंगे, सबसे पहले कुमार के साथ ये किया जाएगा, राजा ने ऐसा कहा। सब बंदियों को बांधकर आंगन में लिटा दिया गया। हाथी पर सवार महावत भी आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। कुमार ने बंदियों से पुकार कर कहा, भाइयों यह सत्य है कि राजा अन्याय कर रहे हैं, यह भी सत्य है कि हम थोड़ी देर बाद हाथी से कुचलवा दिए जाएंगे, परंतु राजा यह जानबूझकर कर नहीं रहे, उस पर क्रोध बिल्कुल न करना, जब हम सबसे प्रेम करते हैं तो राजा पर क्रोध कैसा, उससे घृणा कैसी। आदेश मिला और हाथी छोड़ दिया गया, वह चिंघाड़ता हुआ आया और कुमार के पास आकर रुक गया। कई हाथी मंगवाए गए लेकिन सभी कुमार तक पहुँचते ही शांत हो जाते। मुखिया बोला, राजन लगता है यह कोई तंत्र मंत्र जानता है। राजा कुमार के पास गया और उससे पूछा, क्यों तुम कोई तंत्र मंत्र जानते हो, हाथी तुम पर आक्रमण करने के बजाय रुक क्यों जाता है। कुमार ने विनम्रता पूर्वक कहा, राजन हमारे पास कोई तंत्र मंत्र नहीं, बस एक ही अनोखा मूल मंत्र है, हम लोग भूल कर कभी भी जीव हत्या नहीं करते, कभी चोरी नहीं करते, कभी किसी को नहीं सताते, कभी झूठ नहीं बोलते और कभी शराब नहीं पीते, जितना संभव हो उतना दान करते हैं, जितनी सामर्थ्य हो उतना जन कल्याण के लिए श्रम करते हैं, तालाब खोदते हैं, एक दूसरों के घर बनाने में मदद करते हैं या घास का मैदान बनाते हैं। ये सभी हाथी हमारे आसपास के जंगलों के हैं और हमारे अहिंसक स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, इसलिए ये हमें कुचलने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, इसके अतिरिक्त हम अन्य कोई मंत्र नहीं जानते। क्या हुआ कि सभी बंदियों को ज़मीन में लिटा दिया गया, ठीक है, उन सबके हाथ पैर बांध दिए गए, उन्हें ज़मीन में आंगन में लिटा दिया गया। आंगन क्या होता है, घर के सामने का खुला जगह जो होता है, आंगन में लिटा दिया गया
और जो है हाथी पर सवार महावत। देखिए जो हाथी के ऊपर चढ़ के हाथी को कंट्रोल करना चाहता है, हाथी का जो गाइड होता है, हाथी का कंट्रोलर जो होता है, उसको महावत बोलते हैं। तो महावत को ये आदेश दे दिया गया कि तुम हाथी पे चढ़ जाओ और हाथी को आगे बढ़ा के लाओ और इन लोग को कुचल दो। ठीक है, अब कुमार क्या बोला कि अपने बंदियों से, मतलब अपने साथियों से बोला कि ये सच है कि राजा हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, पर राजा जानबूझकर नहीं कर रहे, उनको कोई उल्टा पुल्टा सिखा दिया है, और इसलिए प्लीज़ तुम लोग राजा को गलत मत कहो, राजा के साथ घृणा मत करो, उनसे प्रेम ही करो, थोड़ी देर बाद तो हम लोग को हाथी कुचल ही देंगे, पर राजा जानबूझकर ये सब नहीं कर रहे हैं, उन पे क्रोध नहीं करना। हम लोग तो सब लोग के साथ प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, राजा पे क्यों क्रोध करना है, उनसे क्यों घृणा करना है। ठीक है, ऐसा उसने कहा। फिर आदेश दे दिया गया और हाथी छोड़ दिया गया, हाथियों को आगे बढ़ा दिया गया कि जाओ लोगों पे चढ़ जाओ। ठीक है, हाथी चिंगाड़ता हुआ आया, मतलब हाथी ने जो जो जोर से चिल्लाता हुआ आवाज़ करता है ना हाथी, उसे चिंगाड़ना कहते हैं। तो हाथी चिंगाड़ता हुआ आया और कुमार के पास आकर रुक गया, कुमार के पास पहुंच के हाथी और उसके ऊपर नहीं चढ़ा, वहीं पे रुक गया। ठीक है, इस तरह कई हाथी बार बार मंगाए गए पर कोई भी हाथी कुमार के ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं हुआ, सब शांत हो गया। तो मुखिया राजा को जाके क्या बोला कि राजा जी लगता है कोई तंत्र मंत्र यह लड़का जानता है, वही यह बोल दे रहा है, इसलिए हाथी रुक जा रहा है। तो राजा फिर कुमार के पास गए और बोले कि तुमको कोई तंत्र मंत्र आता है क्या, हाथी तुम पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहा है, हाथी तुम पे अटैक करने के बजाय रुक क्यों जा रहा है। तब कुमार ने विनम्रता पूर्वक कहा, कुमार ने पोलाइटली कहा क्या कि हमारे पास तो कोई तंत्र मंत्र नहीं है, हम किसी के साथ वायलेंट बिहेवियर नहीं करते, हम सबके साथ अहिंसक व्यवहार करते हैं, हिंसा नहीं करते किसी के साथ, कभी चोरी नहीं करते, कभी किसी को हम लोग तंग नहीं करते, सताते नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते, जितना संभव हो उतना दान करते हैं, है ना, जितना हम लोग देखते हैं कि नीडी लोग को जितना ज़रूरत है हम लोग उनको दान करते हैं। ठीक है, जितना सामर्थ्य उनका जल घरियाल के लिए श्रम करते हैं, तो जितना हम लोग का कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य मतलब कैपेबिलिटी जो है हम लोग का, जितना हम लोग कैपेबल है उतना जन कल्याण के लिए, मतलब कि लोगों को कल्याण के लिए हम लोग श्रम करते हैं, मतलब हम लोग लेबर करते हैं कि लोगों का कल्याण हो, लोगों को सब अच्छे से रह पाए लोग, इसलिए हम लोग तालाब खोदते हैं, एक दूसरे के घर बनाने में मदद करते हैं और घास का मैदान भी बनाते हैं जहाँ बच्चे खेल सके, सब कुछ हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हाथी सब आप लाए हैं वो सब हमारे ही गाँव के आसपास के जंगल के हैं, वो लोग हमारी अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित हैं, मतलब वो ये हाथी लोग भी हम लोग को देखे हैं कि हम लोग किसी को मार वार नहीं रहे हैं, है ना, किसी जानवर को नहीं मार रहे, किसी को तंग नहीं कर रहे, और इसलिए हाथी लोग हम बिना डर के हमारे पास भी आ जाते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि ये लोग कुछ नुकसान नहीं करेंगे और इसीलिए ये हमको कुचलने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हाथी हम लोग को अच्छा मानते हैं, हाथी हम लोग को पहचान चुके हैं, और इसके अलावा मेरे पास और कोई मूल मंत्र नहीं है, यही अनोखा मूल मंत्र है, यही अनोखा मंत्र मूल मंत्र है, मतलब बेसिक मंत्र यही है मेरे पास कि हम लोग गलत काम नहीं करते हैं। ठीक है, और कोई मंत्र हमको नहीं आता। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए, उन्होंने कुमार से सारी जानकारी प्राप्त की। तब मुखिया की पोल खुली और राजा ने उसकी जमीन जायदाद जब्त कर ली, सब बंदी छोड़ दिए गए, कुमार के गाँव को एक बड़ा हाथी पुरस्कार में भी दिया गया। ठीक है, राजा जो है वो कुमार की ये सारी बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया, जो है वो समझ गया कि ओहो कुमार का और उसके साथी को जो अहिंसक स्वभाव है, मतलब कि नॉन वायलेंट बिहेवियर जो उनका है, इसीलिए हाथी उनको कुचलने नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने कुमार से सारी जानकारी प्राप्त की, मतलब उन्होंने कुमार से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या करते हो, क्यों मुखिया कंप्लेंट कर रहा है, तो कुमार उसके साथी उन्हें सभी बातें बता दी। तब मुखिया की पोल खुल गई, मतलब मुखिया का झूठ पकड़ा गया और राजा ने उसके जमीन जायदाद जब्त कर ली, मतलब उसके उसका जितना भी प्रॉपर्टी था, जमीन था और घर बार, जितना भी प्रॉपर्टी था, जमीन जायदाद, वो सब राजा अपने कंट्रोल में ले गए, जब्त कर लिया, अपने पास ले गए। सारे जो बंदी लोग थे, जो लोगों को बांध के रखा गया था, सबको छोड़ दिया गया, जो प्रिजनर्स को, और कुमार के गाँव को एक बड़ा हाथी पुरस्कार में भी दिया गया, कुमार के साथियों को छोड़ दिया गया और उसके साथ में गिफ्ट में कुमार को क्या मिला, एक बड़ा सा हाथी मिला। ठीक है, ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। देखिए कितना अच्छा लेसन था ना, कितनी सारी बातें इसमें बताई गई है और पढ़ने में भी ये लेसन बहुत अच्छा लग रहा है। अनोखा मंत्र लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है।
फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।